हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन माना जाता है, दैट इज एनोमेली स्कैन। अगर आपको कोई कहता है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही अल्ट्रासाउंड करवाना है तो वो आपको एनोमेली स्कैन होना चाहिए। एनोमेली स्कैन में क्या चेक किया जाता है, इसमें प्रॉपर बेबी की सारे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग चेक की जाती है, उसकी फॉर्मेशन चेक की जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है आपका, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल होता है, दैट मीन्स कि ये टम्मी के ऊपर से किया जाता है आपका अल्ट्रासाउंड। स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। देखिए, एनोमेली स्कैन जो है वो परफॉर्म किया जाता है 18 to 22 weeks के बीच में, डॉक्टर इसे बोलते हैं परफॉर्म करने के लिए, जब इसमें आपका सब कुछ जो है क्लियरली चेक हो जाता है। एनोमेली स्कैन की ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट से 1 आवर तक हो सकती है, बिकॉज डॉक्टर को इसमें जो है ईच एंड एवरी पार्ट देखना होता है बच्चे का। तो अगर बच्चा जो है अंदर स्लगिश हो रहा है और मूवमेंट नहीं कर रहा है और डॉक्टर को सिर्फ एक तरफ के, जैसे मान लीजिए राइट साइड के ही पार्ट दिखे हैं या बच्चा उल्टा है, तो वो जो है बच्चे के मूवमेंट के लिए आपको बीच में ब्रेक भी दे सकते हैं कि आप कुछ मीठा खा के आइए ताकि बच्चे की अच्छी तरह से मूवमेंट हो और वो एग्जामिन अच्छी तरह से कर सकें। अब हम बात करते हैं कि एनोमेली स्कैन में हम क्या चेक करते हैं। एनोमेली स्कैन में ईच एंड एवरी पार्ट आपकी फीटल बॉडी का चेक होता है, आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन चेक की जाती है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट चेक किया जाता है, आपकी फीटल की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक किया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा अटेंशन दी जाती है वो ब्रेन को, फेस को, स्पाइन, स्टमक, आपका हर्ट, बाउल, किडनी, लिम्स, लंग्स, ये सब चीज़ें जो है मेन होती हैं जो कि देखी जाती हैं बच्चे की। और इसका मेन पर्पस होता है एनोमेली स्कैन का कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी तरह जा रही है, यानी कोई भी रेयर कंडीशन होती है जैसे कि कुछ डिफेक्ट हो गया है किसी में, तो वो इसमें आराम से शो हो जाता है। आपके बेबी का जो है जेंडर भी इस टाइम इजीली पता लग सकता है और आपके बेबी के जेनिटल ऑर्गन भी इसमें चेक किए जाते हैं, लेकिन अभी इंडिया में ये अलाउड नहीं है कि आपको जेंडर रिवील किया जाए। इसकी फीस कितनी होती है, फीस देखिए इसमें होती है अप्रॉक्स 1400 से स्टार्ट होके किसी सिटी में ये 3800 तक भी किया जाता है, तो इसके बीच में इसकी फीस होती है, कोई फिक्स फीस नहीं है, सिटी टू सिटी वेरी करती है इसकी फीस। इसे हम डिटेल स्कैन भी बोलते हैं, लेवल 2 स्कैन भी बोला जाता है और इसे एनोमेली स्कैन भी बोलते हैं हम। तो देखिए, ये जो स्कैन होता है इसमें डॉक्टर आपको साथ के साथ दिखाते भी रहते हैं कि देखिए आपका ये बेबी का जो है स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, ये बेबी की नोज है, ये बेबी के हैंड्स हैं, ये फिंगर्स हैं, ये टोज हैं, सब आपको दिखाया भी जाता है साथ में जितना आपको समझ आता है। मेरा एनोमेली स्कैन जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, बिकॉज जो है मेरे को बीच में डॉक्टर ने ब्रेक दे दिया था। पहले जैसे एनोमेली स्कैन वो करने लगे थे, हाफ उनका कवर हो गया था, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बच्चा थोड़ा स्लगिश है अंदर, मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, तो आप कुछ ना मीठा और ठंडा खा के आइए। उस टाइम गर्मियों का सीज़न था, प्रॉपर जून का टाइम था, तो मैंने जो है उस टाइम मैंगो शेक लिया था। उसके हाफ एन आवर बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, तब बच्चे की मूवमेंट जो है फास्ट थी और उनको जो है सारे पार्ट्स विजिबल हो गए थे। अब मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स दिखाती हूँ कि किस टाइप से ये होता है और कितने डिटेल में ये किया जाता है। बेबी की जो है हर एंगल से जो है फिल्म कैप्चर की जाती है और फिल्म के साथ साथ जैसे उनकी डिटेल प्रॉपर देनी होती है, कितनी हार्ट बीट है, जो लिम्स कैसे हैं, लंग्स कैसे हैं, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, वो सब चीज़ें जो है फिर डिटेल में इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लिखते हैं सारी कि आपके कितने सिजेरियन हुए हैं, कितने आपके पास बेबीज हैं, वो सारा लिख के फिर उसके बाद आपका प्लेसेंटा किस पोजिशन में है, आप में जो है इसमें अम्बेलिकल कोड कहाँ पर है, सब चीज़ें जो है प्रॉपर डिटेल में दी जाती हैं। जैसे नेक देखिए, स्पाइन, फेस, थोरेक्स, हर्ट, एब्डोमन, ये हर चीज जो है डिटेल में लिखी गई है यहाँ पर, और प्रॉपर जो है लास्ट में लिखा जाता है कि हमने जेंडर को रिवील नहीं किया है। तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि बैन है यहाँ पर जेंडर प्रेडिक्शन करना।